हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं हूँ योगेश विश्वकर्मा। दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारे शैम्पू देखे होंगे जो कि 1200 से 1500 रुपये प्रति किलो में बिकते हैं। इसी टाइप के दोस्तों आपने देखेंगे वाइट, बहुत सारे आते हैं शैम्पू बड़े बड़े कंपनियों के जो 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये में 80 ml, 100 ml देते हैं। दोस्तों, ये जो 1000 रुपये से 1200 रुपये से 1500 रुपये तक लीटर में बिकने वाले शैम्पू, ये मात्र मात्र 70 रुपये लीटर में बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों दोस्तों ये मैंने जो शैम्पू बनाया है मात्र 70 रुपये प्रति लीटर में बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, आप इसकी थिकनेस देख रहे होंगे और आप इसकी चमक देख रहे होंगे, सब कुछ। तो दोस्तों ये भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ दोस्तों इस शैम्पू को 1200 से 1500 रुपये प्रति लीटर में तक बेचती हैं। दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे किस तरीके से हम इस शैम्पू को बना सकते हैं और मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, 70 रुपये में जो बन के चीज़ तैयार हो जाएगी, आप इसको 1000-1200 रुपये लीटर में बेचेंगे तो आप कितने प्रतिशत मुनाफा है इस पे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के बिकने वाले शैम्पू को बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो, अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन मैं हमेशा लाता रहता हूँ अपनी वीडियो में। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पे मिल सके। ठीक दोस्तों, आपको ये शैम्पू बनाने के लिए जो 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 मटेरियल की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये है SLES, ये है ग्लीसरीन, ये विटामिन ई, ये परफ्यूम, ये पर्ल पाउडर जिसे हम शाइनर भी बोलते हैं, और ये वाइटनर। बस दोस्तों, इतनी ही आइटम की हमको ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक खाली मग लिया। खाली मग में हम SLES डालते हैं। हमने खाली मग में SLES डाला। SLES डालने के बाद हम इसमें ग्लिसरीन डालते हैं। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन आप वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। SLES और ग्लिसरीन मिलाने के बाद दोस्तों हम इसमें विटामिन ई डालते हैं। क्वांटिटी आपको नीचे दिख रही होगी। हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों, विटामिन ई डालने के बाद अब हम इसमें पर्ल पाउडर और वाइटनर डालेंगे। पर दोस्तों, पर्ल पाउडर वाइटनर हम ऐसा सूखा नहीं डालेंगे, इसको हल्का सा पानी में घोल के डालेंगे। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। दोनों को हम थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे दोनों को। कभी भी दोस्तों पर्ल पाउडर और वाइटनर को लिक्विड फॉर्म में ही करके डालें, हमेशा ध्यान दें। दोस्तों, अब हम इसमें पर्ल पाउडर और वाइटनर दोनों को मिला के पानी के साथ मिला के डाल रहे हैं। इसको अब हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे और दोस्तों इसमें हम लास्ट में परफ्यूम डालेंगे। दोस्तों, आपका ये बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हम जितना इसको मिलाएंगे ये उतना ही थिक होता जाएगा।
हम इसको धीरे 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 मिलाएंगे दोस्तों, चलाते जाएंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट में 1200 से 1500 रुपये किलो बिकने वाला शैम्पू बन के तैयार हो गया। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शैम्पू बन के तैयार हुआ है, आपको दोस्तों देख रहा होगा। इसकी थिकनेस देखिए, इसकी चमक देखिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।